हेलो स्टूडेंट, टुडे वी एक्सप्लेन न्यू चैप्टर क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी जेनेटिक्स। इस चैप्टर में काफ़ी कुछ चीज़ें आपने पहले थोड़ी बहुत चीज़ें टेंथ में पढ़ी थी, काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे आप और अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे इस चैप्टर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास ट्वेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का नाम है। सेकंड आपकी यूनिट है, आई थिंक सिक्स या सेवन्थ यूनिट में है। फर्स्ट चैप्टर मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के जस्ट पहला चैप्टर है। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में मेनली चैप्टर का जो मेन नाम है वो है जेनेटिक्स टॉपिक जो हमारा है। बट हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी। चलिए, चैप्टर है बेटा आपका जेनेटिक्स। ये पहला लेक्चर है इसका, अच्छे से इसको अटेंड करिएगा। आप जब भी इसको फ्री टाइम में आप देखिए, जो भी डाउट जो भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हो कि क्या चीज़ आपको नहीं समझ में आई। मैं एक लाइन एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूँगा, वेरी स्मूथली आपको बताऊँगा कैसे क्या इसमें इस चैप्टर में क्या चीज़ें बताई गई थी। ठीक, चलिए थोड़ा आप रिकॉल करिए क्लास टेंथ वाली चीज़। आपने क्लास टेंथ में पढ़ा था हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर था बायोलॉजी में। क्लास ट्वेल्थ में उसी को डिस्क्राइब किया गया काफ़ी अच्छे से। तो जेनेटिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें दो हेडिंग पढ़नी होती है बेटा, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। हेरिडिटी और इनहेरिटेंस, क्लियर, ये क्या होते हैं। ठीक, और सेकंड हेडिंग आती है बेटा वेरिएशन। तो वेरिएशन चलिए हम बाद में देखते हैं, पहले इसको देखते हैं। दोज कैरेक्टर विच ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। कॉमा कॉल्ड सच कैरेक्टर आर कॉल्ड इनहेरिटेड और हेरिडेटरी। हेरिडेटरी कैरेक्टर एंड द प्रोसेस इज नोन एज इनहेरिटेंस। तो एक बार जरा स्क्रीन बोर्ड पे अच्छे से फोकस करिएगा। जेनेटिक्स में सबसे पहली हेडिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग हेरिडिटी और इनहेरिटेंस, दोनों एक ही चीज़ है बेटा। ठीक, इसमें बताया क्या गया, दोज कैरेक्टर विच ट्रांसमिट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जो कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है एज इट इज विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। उस कैरेक्टर में कोई चेंजेस आया ही नहीं, जैसा पेरेंट्स में था वैसे ही रह गया। इवन हम लोग देख के बता देते हैं कि पेरेंट्स को बच्चे को देख के बता देते हैं, हाँ इनकी फेस या चलने की स्टाइल या हाइट बोलने का तरीका सब पेरेंट्स से मैच, हम देख के बता देते हैं हाँ इन्हीं का लड़का या लड़की है। ठीक, तो जो कैरेक्टर पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होता है विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, बिना किसी चेंजेस के साथ, उस कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं बेटा, इनहेरिटेड कैरेक्टर और हेरिडेटरी कैरेक्टर, और प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इनहेरिटेंस। तो अगर आप इनहेरिटेड कैरेक्टर बोलते हो तो प्रोसेस क्या हो जाएगी, इनहेरिटेंस। अगर आप हेरिडेटरी कैरेक्टर बोलते हो तो प्रोसेस क्या हो जाएगी, हेरिडिटी। क्लियर, तो एक बार अच्छे से इसको नोट करिएगा, अभी पॉज करके आप नोट करते रहिएगा, बट पहले समझ लीजिए जो कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होता है विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, उस कैरेक्टर को हम इनहेरिटेड कैरेक्टर और हेरिडेटरी कैरेक्टर, एंड द प्रोसेस कॉल्ड इनहेरिटेंस और हेरिडिटी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं वेरिएशन।
वेरिएशन क्या होता है, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ओके बेटा, नेक्स्ट आपका वेरिएशन, वेरिएशन दोज कैरेक्टर विच ट्रांसमिट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग विथ मॉडिफिकेशन। विथ मॉडिफिकेशन कॉमा कॉल्ड एज एक्वायर्ड कैरेक्टर। एंड द प्रोसेस इज नोन एज वेरिएशन। क्लियर? तो इनहेरिटेंस क्या था, उसमें क्या था, विदाउट मॉडिफिकेशन था, यहां क्या है बेटा, विथ मॉडिफिकेशन। पेरेंट से कैरेक्टर आएगा जरूर, लेकिन चेंजेस के साथ। अब चेंज कैसा आएगा ये तो बच्चे में ही दिखेगा, किस टाइप का चेंज आया, कैसे वो डिफरेंट है। तो दोज कैरेक्टर विच ट्रांसमिट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग विथ मॉडिफिकेशन, चेंजेस के साथ, कॉल्ड एज एक्वायर्ड कैरेक्टर एंड द प्रोसेस इज नोन एज वेरिएशन। तो ये तो बात थी इनहेरिटेंस की और वेरिएशन की। क्लियर? A study of inheritance and variation is equal to genetics. ये है बेटा। तो अगर आप इनहेरिटेंस और वेरिएशन की स्टडी करते हो, क्लियर, तो उस टॉपिक को या उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं बेटा, जेनेटिक्स। ठीक, तो सबसे पहले हमें इनहेरिटेंस और वेरिएशन ही पढ़ना था, तो यहाँ पे इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो बात थी वेरिएशन की और ये जेनेटिक्स कहते किसे हैं। अच्छा, आगे चलते हैं, ज़रा हम देखते हैं। वेरिएशन में आपको दो चीज़ें मिलेंगी, मैं आपको हर एक चीज़ क्लियर करूंगा बेटा, और बहुत अच्छे से वीडियो लेक्चर देखिएगा, कहीं भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप रिप्लाई ज़रूर करिए, क्वेश्चंस सेंड करिए। देखिए, एक्वायर्ड कैरेक्टर में एक्वायर्ड कैरेक्टर आपकी बॉडी में बेटा दो सेल होती है, एक सोमैटिक और एक जर्मिनल। आपकी बॉडी में टू टाइप की सेल है, यहां पे सोमैटिक सेल और जर्मिनल सेल। जर्मिनल सेल इन द सेंस क्या, गैमेटिक सेल। अगर इसमें कोई चेंज आया एक्वायर्ड कैरेक्टर, तो ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा, लेकिन अगर इसमें कोई चेंज आया तो ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सचिन तेंदुलकर, तो सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छे प्लेयर हैं, क्रिकेट का गॉड उन्हें कहा जाता है, लेकिन अगर हम ये उम्मीद लगाएं कि उनका लड़का भी वैसे ही क्रिकेटर क्रिकेट परफॉर्म करेगा, इम्पॉसिबल है। क्योंकि वो उनकी कौन से कैरेक्टर में चेंज आया था, सोमैटिक कैरेक्टर। वो उनकी मेहनत, उनका जुनून था कि उन्होंने वो चीज़ सीखा, अच्छे से परफॉर्म किया। लेकिन वही चीज़ अगर उनके हम फैमिली मेम्बर से अपेक्षा करें तो इम्पॉसिबल है। क्लियर? लेकिन अगर कोई चेंज यहाँ आ जाता है तो बेटा फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होता ही, एज इट इज़ ट्रांसफ़र होता है, वो इनहेरिटेंस में कन्वर्ट होता है। अगर वो एक्वायर्ड से यहाँ चेंज आया है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में वो इनहेरिटेंस का काम करने लगता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। सोमैटिक कैरेक्टर में
अगर कोई चीज़ आप सीखते हो, किसी चीज़ की प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हो, मतलब मान लीजिए आपको म्यूजिक बहुत पसंद है, आप म्यूजिक सीखते हो, तो ऐसा तो नहीं आपके पेरेंट्स को नहीं आता, आपके पेरेंट्स को पता ही नहीं था म्यूजिक के बारे में, कभी उनको इंटरेस्ट ही नहीं हुआ, ना ऐसी चीज़ें मिली उनको, आपको मिली, आपने सीखा, तो कैरेक्टर कहाँ चेंज हुआ? सोमैटिक में। आपकी नेक्स्ट जनरेशन बिना सीखे म्यूजिक उनको आ जाए, इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक ना? या उनके पास पहले से ऐसा कैरेक्टर हो, कभी नहीं हो सकता। तो ध्यान रखिएगा, एक्वायर्ड कैरेक्टर, अगर आप यूपी बोर्ड की बुक पढ़ते हो तो उसमें लिखा रहता है पहलवान का बच्चा पहलवान नहीं होता, क्योंकि जो रेसलर्स होते हैं वो खुद सीखते हैं, उनके अंदर वो सोमैटिक सेल में चेंज आता है, जर्मिनल सेल में चेंज नहीं आता बेटा, क्लियर? तो आगे चल के और डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ब्रीफली डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए पहले ये हमको जानना जरूरी था कि हमारी बॉडी में जो एक्वायर्ड कैरेक्टर चेंज आएगा वो कहाँ आता है। मैक्सिमम टाइम यहाँ आता है, ये तब आएगा जब आप इंडिविजुअली स्ट्रगल करोगे, अगर आप पूरी स्पीसीज स्ट्रगल करती है तो चांसेस होते हैं कि चेंजेस कहाँ आ सकता है, जर्मिनल सेल में, बट चांसेस नॉट श्योर कि आएगा ही, लेकिन इसमें श्योर है आएगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए स्ट्रगल करते हो तो आपके अंदर चेंजेस दिखेंगे, दोनों पॉजिटिव अदर नेगेटिव, हो सकता है आप फेल हो जाओ, ये भी एक चेंज होगा कि आपको चीज़ समझ में ही नहीं आई, हो सकता है उसमें आप टॉप कर जाओ, इसका मतलब उसका नॉलेज आपको बहुत अच्छे से, क्लियर ना? तो इसमें चेंजेस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ये इंडिविजुअली डिपेंड करता है और ये पूरी स्पीसीज पे डिपेंड करता है, जब पूरी स्पीसीज एक साथ स्ट्रगल करेगी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अगेंस्ट, क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें जेनेटिक्स में और आगे, तो हमने एक नाम सुना था क्लास 10th में, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ग्रेगर जॉन मेंडल। स्पेलिंग पे थोड़ा हो सकता है बेटा मिस्टेक, ज्यादा फोकस मत करिएगा स्पेलिंग पे, बट नाम मैं क्लियर बता रहा हूं, ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। अच्छा, हुआ क्या था इनके साथ, ऐसा क्या इन्होंने कर दिया था कि जेनेटिक्स सारी, वो जेनेटिक्स पूरी इन्हीं पे बेस्ड थी, ठीक, इन्होंने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया, लेकिन इनके साथ क्या क्या ट्रेजेडी हुई, क्या कहानी थी इनकी, ये सारी चीज़ें देखते हैं। मेंडल के बारे में अगर हम पढ़ें, मेंडल के बारे में बेटा, इनके शहर का नाम, जिस कंट्री में रहते थे उस कंट्री का नाम ऑस्ट्रिया था, सिटी का नाम ब्रून था, ठीक, सिलीसिया इनके विलेज का नाम था, ये इनका कंट्री है, ये शहर है, ये विलेज है, ठीक। पेशे से एक मॉन्क थे, पादरी, ठीक, फादर जो चर्च में रहते, ये बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे, इनकी मैथ बहुत अच्छी थी, इंटरेस्ट बायोलॉजी में कहां से आ गया देखते हैं। एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी, जिसका साइंटिफिक नेम होता है बेटा पाइसम सटाइवम, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है बेटा पाइसम सटाइवम, क्लियर? ये मटर का साइंटिफिक नेम है। तो मेंडल ने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, पेशे से एक मॉन्क थे, पादरी थे, कंट्री का नाम ऑस्ट्रिया था, सिटी का नाम ब्रून था और विलेज का नाम सिलीसिया था। अच्छा, एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पे ही क्यों किया था वो भी आगे देखते हैं, अभी हुआ क्या था वो चीज़ कंफर्म करते हैं। चलिए इसको पॉज करके आप नोट करते रहिएगा, पहले आप समझ लीजिए फिर एक साथ आप पॉज करके इसको नोट करते रहिएगा। और हाँ, एनसीईआरटी जरूर रीड करिएगा, जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ वो एनसीईआरटी में है, बट मैं आपको मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में उसी को ग्रामेटिकली लिखा गया है, तो आपको वहाँ से अच्छा होगा कि आप उसको भी पढ़ें और फिर यहाँ से आप, ठीक, पहले आप इसको देख लीजिए फिर उसको आप समझ लीजिए तो आसान हो जाएगा। चलिए, हुआ क्या था 1856 टू 1863, 7 ईयर
एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी। मेंडल ने क्या किया, 1856 से लेकर 63 तक एक्सपेरिमेंट किया, 7 साल एक्सपेरिमेंट करने के बाद, और किया किस पे था, गार्डन पी पे। अच्छा, एक्सपेरिमेंट किया क्यों था, थोड़ा देख लेते हैं। आपने देखा होगा मार्केट में मटर आती है, अगर हम मटर ऐसे रफली बनाए, ज़्यादा स्ट्रक्चर फोकस मत करिएगा बेटा, तो आपने देखा है मार्केट में मटर को नॉर्मली गांव की लैंग्वेज में छीनी बोलते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ सीड ज़्यादा, इसमें नंबर ऑफ सीड कम है। और आपको पता है मार्केट में डिमांड किसकी ज़्यादा होती है, बड़ी वाली की, जिसमें नंबर ऑफ सीड ज़्यादा हो। तो मेंडल के माइंड में ये आया कि कुछ ऐसी मटर है जिसमें नंबर ऑफ सीड्स कम है, जिसमें नंबर ऑफ सीड ज़्यादा है, तो कुछ ऐसा किया जाए कि फार्मर्स को मैक्सिमम जो क्रॉपिंग करता है वो मैक्सिमम टाइम पे जो मटर की पैदावार होगी वो ये वाली मटर ज़्यादा पैदा हो, मतलब इसकी क्रॉपिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये नहीं है कि 100% इसी की हो, लेकिन कुछ ऐसा किया जाए कि मैक्सिमम जो क्रॉपिंग हो मटर्स की, मटर से रिलेटेड, वो ये वाली मटर पैदावार ज़्यादा हो। तो मेंडल ने, इनके माइंड में ये चीज़ कहीं ना कहीं बैठ चुकी थी कि ऐसी और ऐसे केसेस में इसकी ज़्यादा डिमांड होती है तो इसी को कराया जाए, फॉर्मर को ही बेनिफिट होगा, इसकी डिमांड कम होती है उसको कम पैसे मिलते हैं। तो कुछ ऐसे ही पॉइंट्स रिलेटेड थे, उसमें साइज़ का डिफरेंस था, छोटे बड़े थे प्लांट उसके, फ्लावर का डिफरेंस था, तो इसी बिहा पे उन्होंने इस प्लांट को चूज़ किया था, सेलेक्ट किया था एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अभी रिटर्न में भी देखेंगे उसको क्या क्या रीज़न थे, बट पहले उससे देखिए, 7 ईयर एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन 1865 ही मेक अ 46 पेज रिपोर्ट फाइल। इन्होंने एक 46 पेज की रिपोर्ट फाइल बनाई एंड इट वॉज सेंड टू डिफरेंट कंट्री ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। इन्होंने क्या किया, एक 46 पेज की रिपोर्ट फाइल बनाई और जो चीज़ ऑब्जर्व किया था एक्सपेरिमेंट में वो सारी चीज़ें उस रिपोर्ट फाइल में लिखी और डिफरेंट कंट्री ऑफ यूरोप और अमेरिका को सेंड कर दिया साइंस कमेटी को, बट नोबडी गेव एनी रिस्पॉन्स। लेकिन किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, मतलब क्या हुआ, मेंडल गलत, मेंडल की बातें लोगों को समझ में नहीं आई या मेंडल समझा नहीं पाए, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी, इनकी लैंग्वेज में प्रॉब्लम थी, या एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया खुद समझ लिए थे दूसरों को नहीं समझा पाए, या वो लोग समझ नहीं पाए, कहीं ना कुछ कुछ तो कुछ गड़बड़ थी। फाइनली जब इनको रिस्पॉन्स नहीं मिला तो ये हुआ कि मेंडल शायद जो बता रहे हैं वो गलत है। तो हुआ क्या उसके बाद, मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू रखा फ्रॉम 1866 कंटिन्यू देयर एक्सपेरिमेंट इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट बेटा कंटिन्यू रखा एंड फाइनली इन 1884 मेंडल डाई ड्यू टू किडनी डिजीज। उस डिजीज का नाम था बेटा ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस। ये नीट में पूछा जाता है मेंडल की डेथ किस बीमारी की वजह से हुई थी, इनको इनकी दोनों किडनी काम नहीं कर रही थी बेटा। किडनी में एक पार्ट होता है ग्लोमेरुलस, आप लोगों ने 11 पढ़ा होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम में,
जो फिल्ट्रेशन पॉइंट ऑफ किडनी होता है वो पार्ट काम ही नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से 1884 में मेंडल मर गए। अब मेंडल का एक्सपेरिमेंट तो हिडन हो गया, क्या मेंडल को साइंटिस्ट का दर्जा मिला? नहीं, क्योंकि यूरोप और अमेरिका जहाँ भी इन्होंने अपनी फाइल को सेंड किया था वहाँ से तो कोई रिस्पॉन्स आया ही नहीं। तो हम मेंडल को क्या साइंटिस्ट कह सकते हैं? नहीं। अगर आपसे ये कहा जाए कि मेंडल साइंटिस्ट है या नहीं, तो मेंडल वॉज नॉट अ साइंटिस्ट, मेंडल वॉज अ मॉन्क, एक पादरी थे। तो इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहा गया, ये भी क्वेश्चन आया, चलिए वो भी देखते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि इनको इस बीमारी की वजह से इनकी डेथ हो गई। ठीक, इसको आप पॉज करके नोट करिएगा, पहले आप देखिए आगे क्या हुआ। फाइनली क्या हुआ, आफ्टर 16 ईयर यानी इन 1900 थ्री साइंटिस्ट कम्स फ्रॉम थ्री डिफरेंट कंट्री नेम्ड एज मिस्टर कॉरेंस, ह्यूगो डी ब्रीज और शेरमार्क। टी साइलेंट है बेटा इसमें। ये आपके थे जर्मनी, नीट में ये भी पूछा जाता है किस कंट्री के थे, जर्मनी। ये थे आपके हॉलैंड और ये थे आपके ऑस्ट्रिया, जहाँ के मेंडल थे, जिस कंट्री से। क्लियर? तो आफ्टर 16 ईयर इन 1900, क्योंकि 1884 में अगर आप 16 प्लस करोगे तो 1900 ही आएगा। 1900 में थ्री साइंटिस्ट कम्स फ्रॉम थ्री डिफरेंट कंट्री नेम्ड एज मिस्टर कॉरेंस, ह्यूगो डी ब्रीज, शेरमार्क, जर्मनी, हॉलैंड एंड ऑस्ट्रिया। ये तीनों साइंटिस्ट आए। अच्छा, ये तीनों साइंटिस्ट भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इन्होंने मेज प्लांट पे किया था, इन्होंने किया था इवनिंग प्रिमरोज पे, और ये डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट। क्लियर? तो ये तीनों साइंटिस्ट भी कहीं ना कहीं किसी फ्लावरिंग प्लांट पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन इनके पास कोई प्रॉपर रिजल्ट नहीं था। इन तीनों साइंटिस्टों ने क्या किया, इनको कहीं से पता चला मेंडल के बारे में। जब इन्होंने मेंडल की फाइल इनको मिली, क्योंकि मेंडल की फाइल तो रिटर्न कर दी गई थी। अच्छा, जब मेंडल की फाइल इनको वापस मिली, जब ये पहुँचे ऑस्ट्रिया, मेंडल के यहाँ पहुँचे, तो इनको तो ये पता चला कि मेंडल तो मर चुके हैं। इन्होंने क्या किया, रीओपन दीज थ्री साइंटिस्ट मेंडल फाइल ऑब्लिक एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्व दैट देयर फॉर्मुलेशन एंड आइडियाज वॉज सिमिलर टू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट।
मेंडल्स एक्सपेरिमेंट एंड विच इज एक्सप्लेन बिफोर 37 ईयर एगो बाय मेंडल। मतलब जब इन तीनों साइंटिस्टों ने मेंडल्स की फाइल को रीओपन किया तब इनको समझ में आया कि जो चीज़ें आज हम खोज रहे हैं, जो हमारे पास आइडिया है, फॉर्मुलेशन है, मेंडल ने 1963 में ही खोज दिया था 37 ईयर एगो पहले। मतलब 37 ईयर पहले ही मेंडल ने उसको डिस्कवर कर दिया था। प्रॉब्लम कहाँ थी, समझाने में या समझने में? कहीं ना कहीं तो कुछ था। बट इन्होंने फाइनली क्या हुआ, एक कंक्लूजन निकाला जब इन्होंने देखा कि ये सारी चीज़ें मेंडल ने पहले ही खोज दी थी, देन दे डिसाइडेड, फिर डिसाइडेड कॉरेंस ने, इन तीनों साइंटिस्टों ने मिलकर क्या किया, मेंडल की फाइल को दोबारा रीओपन तो किया, उसमें जो भी करेक्शन था, जो भी चेंजेस करने थे वो किए, फिर साइंस कमेटी के सामने रखा और फिर साइंस कमेटी ने उसको अप्रूवल दिया कि हाँ जो चीज़ बताई जा रही वो सही है। देन दे डिसाइडेड ऑल द क्रेडिट गोज टू मेंडल। क्लियर? तो जब इनको ये पता चला कि ये सारी चीज़ें मेंडल ने पहले ही डिस्कवर कर दी, तब इन्होंने डिसाइड किया इसको रिपेयर करने के बाद, जब साइंस कमेटी ने सेलेक्ट कर लिया तब ये अप्रूवल इन्होंने मिला, तो इन्होंने क्या किया, सारा क्रेडिट जो था वो दिया किसको, मेंडल को। मेंडल तो मर चुके थे तो मेंडल को एक नाम मिला, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो बेटा मेंडल को केवल एक नाम मिला, फादर ऑफ जेनेटिक्स, जबकि मेंडल तो उस टाइम पे मर चुके थे। तो मेंडल वाज नॉट अ साइंटिस्ट, मेंडल वाज अ मॉन्क, एक पादरी थे। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ गई होंगी। तो अब इसके बाद आपका स्टार्ट होता है, एक क्वेश्चन आएगा कि वाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर देयर एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों सेलेक्ट किया, और दूसरा प्लांट भी ले सकते थे लेकिन मेंडल ने पी प्लांट क्यों लिया। तो पहले आप इसको कॉपी करो, फिर आगे उसको स्टडी करते हैं कि मेंडल के बारे में और भी चीज़ें, फिर आगे का टॉपिक क्या है वो सारी चीज़ें। बेटा पहले आप इसको कॉपी करो। ओके स्टूडेंट, चलिए एक क्वेश्चन है, व्हाई मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट फॉर देयर एक्सपेरिमेंट। आंसर देखते हैं क्या था। फर्स्ट आप अपना ग्रामेटिकली लिख लीजिएगा, मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर देयर एक्सपेरिमेंट ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, ये लाइन आप ऐड कर लीजिएगा। फर्स्ट क्या था, इट इज अ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट सेकंड their flower is bisexual so self pollination occur automatically। ऑटोमेटिकली थर्ड डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम
एन इज इक्वल टू 14, 7 पेयर क्रोमोसोम होते हैं इसमें। ग्रो इन स्मॉल किचन गार्डन, तो ये कुछ रीजन थे बेटा, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वन बाय वन। पहला था इट इज़ अ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट, मतलब इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो पेयर में होते हैं, कोई ऑड नंबर में नहीं होता, इवन नंबर में होते हैं। और ट्रू ब्रीडिंग प्लांट था, कोई किसी मतलब इसमें हाइब्रिड की क्राइटेरिया नहीं थी, प्योर डोमिनेंट कैरेक्टर शो करता था, प्योर प्लांट था। इसका फ्लावर जो होता है वो बाइसेक्सुअल होता है, मतलब अगर आप इसका एक्सपेरिमेंट करोगे तो पॉलिनेशन कराना जरूर होगा, क्योंकि इसके बाद ही फ्रूट का फॉर्मेशन, तो सेल्फ पॉलिनेशन ये अचीव कर सकते हैं, कहीं आपको दूसरे जगह से क्रॉस पॉलिनेशन की क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करानी होगी। ये खुद इन पे बाइसेक्सुअल स्टेमन और एंथर एक ही में होते हैं, वो आपस में आप उनको पॉलिनेट करा सकते हो। डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n = 14, 7 पेयर क्रोमोसोम होते हैं मटर में। ग्रो इन स्मॉल किचन गार्डन, अगर आपको आपने देखा होगा घर में किचन का एरिया कितना बड़ा होता है, बनवाने को तो हम बहुत बड़ा बना सकते हैं लेकिन नॉर्मली एक किचन का साइज मिनिमम कितना हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है बेटा, उतनी एरिया में हम मटर के प्लांट पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट्स थे कि मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों सेलेक्ट किया था, तो पहले आप इसको अच्छे से पॉज करके नोट कर लीजिएगा। इसके आगे का लेक्चर में आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन करूँगा कि मेंडल्स के कुछ पहले हमें रूल्स पढ़ने होते हैं, ठीक, कुछ एप्लीकेशंस पढ़ने होते हैं हमें, फिर उसके बाद हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि मेंडल्स के लॉ क्या क्या थे, ठीक, मेंडल का लॉ क्या था, फिर उसके बारे में मेंडल से रिलेटेड और सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड होगा। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से नोट करिए, और कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी होती है तो आप मैसेज कर सकते हो बेटा, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। क्लियर? थैंक यू बेटा।